हरी कृष्णा प्रणाम। मैसेज करके रखना पड़ेगा। म्यूट है, नहीं अनम्यूट है, अनम्यूट है। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। मुरलीधर प्रभु, हरे कृष्णा। रत्न भूषण प्रभु, आप यस प्रभु, हरे कृष्णा। या जी पढ़ेंगे राइट उधर हिंदी में? जी प्रभु, दिल रीड इन हिंदी में। ओके तो टेक्स्ट 41 प्रभु आज का, या 41 टू 41 टू वेयर 44 महाराज। ओके text 41 swapnam manoratam chetam rakhanam nasmartya aso tatra purvam evatmanam apurvam chanupashyati. Okay, Hare Krishna. Well, I read the English. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न या दिव्या स्वप्न दिवा स्वप्न का अनुभव करते हुए अपने पहले के स्वप्नों या दिवा स्वप्नों को स्मरण नहीं रख पाता, उसी तरह अपने वर्तमान शरीर में स्थित मनुष्य इसके पूर्व विद्यमान होने पर भी यही सोचता है कि वह अभी हाल ही में उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य, यहाँ पर आपत्ति की जा सकती है कि कभी कभी स्वप्न का अनुभव करते हुए मनुष्य अपना पिछला स्वप्न याद रखता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका यह उत्तर देते हैं कि जाति स्तर की योग शक्ति से मनुष्य अपने पूर्व शरीर को याद रख सकता है, और जैसा कि सर्व विदती है। हरे कृष्ण माता जी, स्क्रॉल कर सकते। ओके, थैंक यू माता जी। प्रभु सब श्लोकों का पढ़ लेंगे ना एक ही टाइम अभी? यस प्रभु। ऑल द वर्स। तो श्लोक संख्या 42, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। चूंकि मन जो कि इंद्रियों का आश्रय है नवीन शरीर के साथ अपनी पहचान कर लेता है, अतएव उच्च मध्यम तथा निम्न ये तीन भौतिक श्रेणियां ऐसी प्रतीत होने लगती हैं, मानो आत्मा की असलियत के भीतर उपस्थित हो। इस तरह आत्मा बाह्य तथा अंत द्वैत उत्पन्न करता है, जिस तरह मनुष्य कुपुत्र को जन्म दे। तात्पर्य, विभिन्न शरीरों की संपत्ति सौंदर्य बल बुद्धि यथा यश तथा वैराग्य को भौतिक अवस्था के अनुसार उत्तम सामान्य या निकृष्ट माना जाता है। आत्मा किसी शरीर को प्राप्त करता है और अपने को तथा अन्यों को उनकी भौतिक अवस्था के अनुसार उच्च मध्यम या निम्न श्रेणी का मानता है। वस्तुतः शाश्वत आत्मा भौतिक द्वैत के परे होता है, लेकिन वह बल भूलवश भौतिक अवस्था को अपना मान बैठता है। असज्जन कृद यथा पद महत्वपूर्ण है, पद महत्वपूर्ण है। स्वभाव से पिता शांत हो सकता है, किंतु यदि उसका पुत्र किसी विपत्ति में फंस जाता है तो पिता को बाध्य होकर उसे जुटाना पड़ता है और अपने पुत्र के शत्रुओं को परिवार का शत्रु मानना पड़ता है। इस तरह कुपुत्र अपने पिता को झंझट में ढाल देता है। इसी प्रकार से आत्मा के समक्ष कोई अपनी स्वाभाविक
सामस्य नहीं रहती, किंतु शरीर के साथ झूठी पहचान करने से आत्मा शरीर के सुख दुख में फंस जाता है। इस श्लोक के भगवान शरीर तथा आत्मा विषयक अपनी व्याख्या का सार समाहार करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, या श्लोक संख्या 43 अनुवाद। हे उद्धव, अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। हे उद्धव, भौतिक शरीर काल के अदृश्य तीव्र वेग से निरंतर उत्पत्ति तथा विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। सूक्ष्म प्रकृति होने से काल को कोई देख नहीं पाता। आज की लास्ट श्लोका, श्लोका 44, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। समस्त भौतिक शरीरों के रूपांतर की विभिन्न अवस्थाएं उसी तरह बदलती रहती है जिस तरह दीपक की लो, नदी की धारा या वृक्ष के फल बदलते रहते हैं। तात्पर्य, दीपक की लो कभी तेज होती है तो कभी मंद होती है और अंत में बुझ जाती है। बहती हुई नदी की लहरें कभी उड़ती और कभी गिरती है, जिससे असंख्य आकार तथा नक्शे बनते हैं। वृक्ष में फल लगते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, मीठे होते हैं और फिर सड़ कर नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह मनुष्य यह समझ सकता है कि उसके शरीर में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और शरीर निश्चय ही बुढ़ापे, रोग तथा मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। जीवन के विभिन्न कालों में शरीर में संभोग शक्ति, शारीरिक शक्ति, इच्छा, ज्ञान इत्यादि प्रकट होते हैं। जो जो शरीर पुराना पड़ता है, शारीरिक शक्ति घटती है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो सकती है। भौतिक जन्म तथा मृत्यु एक निश्चित काल खंड में होते हैं। भौतिक वस्तु का जन्म, उत्पत्ति या उत्पादन तुरंत ही भौतिक जगत में इस सूक्ष्म काल खंड से अपने को जोड़ लेता है। इस तरह इसका विनाश या मृत्यु अवश्य अवश्यंभावी है। काल का अप्रतिहत वेग इतनी सूक्ष्मता से आगे बढ़ता है कि केवल अत्यंत बुद्धिमान ही इसे देख पाता है। जिस तरह दीपक की लो धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है, जिस तरह गतिमान धाराएं नदी के भीतर बहती है, अथवा जिस तरह वृक्ष में फल धीरे धीरे पक जाता है, उसी तरह भौतिक शरीर अपरिहार्य मृत्यु के निकट पहुंचता रहता है। अतएव अपरिहार्य क्षणभंगुर शरीर और नित्य अपरिवर्तनशील आत्मा में भ्रम नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज। ओम ज्ञानत मरंदस्य ज्ञानंजन शलाकाया चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंचकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लॉर्ड कृष्णस कंटिन्यूइंग His analysis of the difference between the body and the soul, the state of the conditioned soul in this material world. भगवान कृष्ण जारी रख रहे हैं अपनी बातचीत शरीर और आत्मा के अंतर के बीच में और बद्ध जीव की क्या स्थिति होती है इस भौतिक जगत में उसके बारे में। So Lord Krishna gives the example that how the living entity forgets previous lives and he's only thinking that we just have one life. भगवान कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे जो जीव है वो अपने पुराने जन्म के बारे में भूल जाता है और उसको लगता है कि उसकी उसका एक ही जन्म है। Conditioned life, we identify with the material body and we think according to the body's condition, we identify in that way. तो बद्ध जीवन मतलब हम अपने आप को परिचय करते हैं ये शरीर से और अपने आप को शरीर समझते हैं, ये इस प्रकार की हम पहचान रखते हैं। The body gets old, we think I'm an old man. तो शरीर बूढ़ा होता है और हमको लगने लगता है मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ। And when we're young, we're thinking I'm a young person.
और जब शरीर जवान होता है तो हमको लगता है मैं एक जवान व्यक्ति हूँ. And we have no remembrance of our previous life. और हमको हमारे पिछले जन्म की कुछ याददाश्त नहीं रहती है. Just like in the Bhagavad Gita, Lord Krishna was describing the history of the Gita, how he spoke the knowledge to the sun god Bhuvaswar. जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण भगवत गीता के इतिहास के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया. And then Arjuna was surprised. He said, "Oh Krishna, how is it possible you could speak this knowledge to the sun god? He's so much senior in age to you and I. How is it possible you could ever have spoken to him?" So Krishna, जब ये कहते हैं तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं. वो कहते हैं कि कृष्ण सूर्य देव तो हम दोनों से उम्र में इतने बड़े हैं, ये कैसे संभव है आपने उनको ये सब कहा. And Lord Krishna tells Arjuna, many, many births both you and I have had, O Arjuna. I remember them. You do not. Krishna Arjun को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने और मैंने बहुत सारे जन्म ले लिए हैं. तुमको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है. Of course, sometimes it happens. Young children remember their previous life. बेशक कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे अपने पहले का जन्म याद रखते हैं. A lot of research done on that. The young children remember about the previous life and they can give perfect details, perfect information of a previous life. तो इस विषय में बहुत खोज की गई है और ऐसा पता हुआ कि कभी कभी छोटे बच्चे अपने पहले के जन्म के बारे में बिल्कुल विशेष बातें बता सकते हैं बिल्कुल बराबर से. But then as they grow, then the memories fade and they start to focus more on this life and they forget the previous life. जैसे वो बड़े होने लगते हैं फिर पहले जन्म की याददाश्त कम होने लगती है और वो इस जन्म पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं. So this ignorance, this covering for this forgetfulness of our previous life, it allows us to focus more on this life and to try to enjoy this life. So ये इस प्रकार की हमारी याददाश्त जो हम भूल जाते हैं पहले जन्म के बारे में ये हमें सहायता करती है इस जन्म पे ज्यादा ध्यान देने के लिए इस जन्म में भोग करने के लिए. And the purport talks about this jati smara that you can remember your previous life. Sometimes some people have that memory of the previous life, but it's not common. It's an exception. तो तात्पर्य में लिखा गया है जति स्मरा के कोई कोई व्यक्ति को पिछले जन्म की याददाश्त रहती है. ये सामान्य नहीं है. कोई कई कम व्यक्ति ही होते हैं जिनको इस प्रकार से पहले जन्म याद रहता है. So Lord Krishna is giving an example. He to Uddhava, he is saying just like a person may dream, but he doesn't remember his previous dreams. यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं भगवान के. जिस प्रकार से कभी-कभी एक व्यक्ति सपना देखता है लेकिन उसको पुराने सपने याद नहीं रहते हैं. Like when we're dreaming, we're absorbed in that dream. We're not thinking, "Oh, I had many other dreams." All the other dreams are all forgotten, and you're just simply absorbed in that one dream, present dream. Maybe a daydream, maybe a night dream. तो जैसे हम सपना देख रहे होते हैं, तो हमारा मन उस सपने में पूरी तरह लगा होता है. उस समय हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि अरे इसके पहले मुझे और दूसरे सपने आए थे. नहीं, हमारा मन उसी सपने में लगा होता है जिसमें हम होते हैं, चाहे वो दिन में देखा जा रहा हो सपना हो या रात में देखा जा रहा सपना. So in the same way, we're thinking about this body. We're thinking that I have just come into being. I just took birth. That this is my life. And we have no knowledge of previous births.
उसी प्रकार से हम जब ये जन्म लेते हैं तो हम सोचते हैं मैं ये हूँ, यही जन्म मैं हूँ, यही मेरा जीवन है, और हमें पहले के जन्म के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। You think I didn't exist before my birth? मैं लगता है ये जन्म के पहले मैं जीवित ही नहीं था। We do not understand. We have no experience of the soul. हम नहीं समझ पाते हैं, हमें आत्मा का कोई अनुभव ही नहीं होता। So everything is forgotten. This is the arrangement of the Lord, that the material energy is so powerful. Takes away all the memories of a past life. तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये भौतिक शक्ति के कारण है, भगवान की भौतिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हमारे पहले जन्म की सब यादें भुला देती है। And then Lord Krishna continues. He talks about how, in that condition, the mind begins to identify with the body and will consider the body. In different ways, as being high class, or low class, middle class. ये भगवान कहते हैं कि किस प्रकार जो मन है वो अपने को समझने लगता है ये शरीर, और शरीर से अपनी पहचान बनाता है। कभी कभी उसको लगता है कि मेरा शरीर उच्च कोटि का है, कभी कभी लगता है मैं शरीर हूँ और ये निम्न कोटि का शरीर हूँ। Lord Krishna gives an example about a man may have a bad son. भगवान कृष्ण उदाहरण देते हैं कि कभी कभी एक व्यक्ति को एक बुरा बेटा हो सकता है। And because the son does something wrong, the son gets in trouble, the father, he also has to get involved trying to defend his son. तो अगर वो बेटा कुछ गलत कर ले, कोई समस्या में फंस जाए, तो पिता भी उस समस्या में फंस जाता है बच्चे को बचाने के लिए। So in the same way, the spirit soul gets involved with the material body. उसी प्रकार से जीव भी भाग लेने लगता है भौतिक शरीर के कार्य में। And when the material body experiences some pleasure or some pain, the soul identifies with it. और जब भौतिक शरीर को अनुभव होता है कोई खुशी का या कोई दर्द का, तो आत्मा भी अपनी पहचान उस खुशी और दर्द से करने लगता है। Actually, the nature of the soul is eternal, full of bliss and knowledge, is such an ananda. But because of the material body, the soul begins to identify with the body and think how to help the body. वास्तव में तो आत्मा सत है, पूरे ज्ञान से भरा हुआ है और आनंद से भरा हुआ है, वो सच्चित आनंद है, परंतु इस शारीरिक पहचान के कारण से वो शरीर वो अपनी पहचान करने लगता है शरीर से और शारीरिक चीजों से। Actually, the soul is always transcendental, but he identifies with the material situation of the body. वास्तव में तो आत्मा हमेशा दिव्य है, शरीर के परे है, लेकिन ये गलत पहचान के कारण वो अपने आप पहचान ये शरीर से करने लगता है और शारीरिक स्थितियों से करने लगता है। Because the mind has created this identification with the body. क्योंकि मन ने ये पहचान बना दी है आत्मा की शरीर के साथ। So that mind gives all the problems. All the problems come around from the uncontrolled mind. तो इसलिए सारी समस्याएं वो मन देता है, और सारी समस्याएं उत्पन्न होती है जो मन को हम नियंत्रित नहीं करते हैं उस प्रकार के मन से। In the nature of the mind is that we always think, we always see different physical conditions. We'll see something as being good, something as being bad, something we like, something we don't like. The dualities of life are there. That's the mind perceives these dualities. और मन का हमेशा कारण है वो इस प्रकार से भौतिक तरीके से सोचता है। वो सोचता है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, इसको हम कहते हैं द्वंद्व। तो मन हमेशा हमें इस भौतिक द्वंद्व में रखता है। Actually, it's all manodharma, what we call manodharma, the business of the mind, accepting and rejecting.
वास्तव में ये सब मनोधर्म है, हम जिसे कहते हैं मनोधर्म, ये मन का धर्म है कि कुछ चीज को स्वीकारना और कुछ चीज को नकारना. And that, what the mind is seeing is just simply illusion. It's all, it's not actually reality. It's just creation to the mind. और वास्तव में जो मन देख रहा है वो सब भ्रम है, वो सब हकीकत नहीं है, वो बस मन की बनाई गई कल्पना है. And in this way, the soul becomes involved with the material world. इस प्रकार से जीव पहचान करने लगता है भौतिक शरीर के साथ. Just like the father has to take care of the son when the son gets in trouble. इस प्रकार से पिता को पुत्र की देखभाल करनी पड़ती है जब पुत्र कोई समस्या में फंस जाए. The son may have some enemies. And then, because they're the enemies of the son, they become the enemy of the whole, the boy's whole family. जैसे कि वो पुत्र को कोई शत्रु हो सकते हैं, तो क्योंकि वो पुत्र के शत्रु हैं, वो पूरे परिवार के शत्रु बन जाते हैं. So in the same way, the bad son brings trouble on the whole family. उसी प्रकार से बुरा पुत्र पूरे परिवार के लिए समस्या ले आता है. In the same way that the mind identifying with different conditions of the material body, it creates trouble for the soul. उसी प्रकार से मन जो पहचान करता है अपनी भौतिक शरीर से, वो आत्मा के लिए समस्या पैदा कर दे. Because the soul is living in the body, so it has to be concerned with the bodily condition. क्योंकि आत्मा शरीर में रह रहा है तो स्वाभाविक ही रूप से उसको भी सोचना पड़ता है शारीरिक स्थितियों के बारे में. For the soul, there's no birth, there's no death, but the body is going through this. आत्मा के लिए जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, शरीर जन्म और मृत्यु से गुजर रहा है. So the soul identifies with these things due to the mind. आत्मा इन चीजों से परिचय कर बैठता है मन के कारण. The Lord Krishna continues speaking to Uddhava and he's telling him that by the force of time, there's constant creation and destruction. भगवान कृष्ण उद्धव से बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं समय के प्रभाव के कारण कुछ चीज बनती है और फिर नाश होता है. But because of the nature of time, no one is able to see the changes which are going on. परंतु समय के प्रभाव के कारण कोई देख नहीं पाता है जो बदलाव हो रहे हैं. Yeah, there's constant destruction at every moment. The things are being created and destroyed. तो निरंतर रूप से नाश हो रही हैं चीजें, हर क्षण चीजें बन रही हैं और उनका नाश हो रहा है. But time is so subtle, we do not see it moving. We do not see the changes. परंतु समय इतना सूक्ष्म है कि हम उसे चलता हुआ नहीं देख पाते, हम ये बदलावों को नहीं देख पाते. And Krishna gives some examples about these changes which are taking place. He compares them to three. That he gives three different examples. फिर कृष्ण कुछ उदाहरण देते हैं ये जो बदलाव हो रहे हैं उनके विषय में. कृष्ण तीन उदाहरण देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक द फ्लेम ऑफ अ कैंडल. पहला उदाहरण है मोमबत्ती में जो अग्नि जल रही है. द फ्लेम ऑफ द कैंडल एट वन पॉइंट इज वेरी ब्राइट, बट देन समटाइम इट विल इन कोर्स ग्रेजुअली बिकम वीक. द कैंडल बर्न्स आउट. And the flame will be weaker. तो मोम बत्ती में जो अग्नि है एक समय होता है वो बहुत तेज होती है, फिर जैसे समय बीतता जाएगा वो कमजोर होती जाती है. When we light a candle, the flame, if there's a breeze, the candle will flicker. तो जब हम दिया जलाएंगे अगर वहां पर हवा चल रही है तो धीरे धीरे जो अग्नि है उस दिए की वो कमजोर होती दिखेगी. Sometimes it will be bright, other times it will be weak. कभी वो दिए की अग्नि
बिल्कुल रोशनी होगी उसमें और कोई कोई समय बिल्कुल कमजोर होगी gradually the candle will burn out. और धीरे धीरे वो बत्ती बुझ जाएगी. And then the second example is about the current of a river. और दूसरा उदाहरण है जो एक नदी है उसका बहाव. So in the river, sometimes the river will create different patterns and different shapes due to the flowing river. कभी कभी बहती हुई नदी जो है वो विभिन्न प्रकार के आकार लेती है. Then you can see in the river, like flowing river, heavy, like the Ganga flows very fast, strong current. You can see how the river flows. Sometimes it will rise and sometimes fall. जैसे गंगा नदी बहुत तेज बहाव से बहती है तो हम देख पाएंगे कभी कभी जो पानी है नदी में वो ऊंचा हो रहा है और कभी कभी कम हो रहा है. And then the third example is about fruits of a tree. और तीसरा उदाहरण है पेड़ में जो फल है. The tree produces fruits. They begin to grow, and gradually they get bigger, and then they ripen, and they get very sweet, and then gradually they rot, they die. तो फल पहले उनका निर्माण होता है पेड़ में, फिर वो बढ़ने लगते हैं, वो मीठे हो जाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद वो सड़ने लगते हैं और समाप्त हो जाते हैं. So the same is true with our physical body. We go through these different changes. तो यही सत्य है हमारे इस भौतिक शरीर के साथ. हमारा भौतिक शरीर भी ये बदलावों से गुजरता है. The body begins to grow and gradually gets stronger and stronger, and then certain point begins to diminish, gets weaker, weak. तो शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ते रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद और कमजोर कमजोर होते जाएगा. So the body is going through all these different changes. Our knowledge, and that once the body is changing, our knowledge can increase. तो शरीर इस प्रकार के बदलावों से गुजरता रहता है. तो शरीर जब ये बदलाव से गुजर रहा है, तो उस समय हमारा ज्ञान बढ़ सकता है. We may become aware of the nature of the body, physical condition. तो हम इस बात से ज्ञात हो सकते हैं कि शरीर का क्या स्वभाव है और शारीरिक स्थिति क्या है. So we take birth in the material world, we accept the body, and then gradually we come closer and closer to death. तो इस भौतिक जगत में हम आते हैं, एक शरीर स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे हम मृत्यु के करीब आते रहते हैं. So it's connected. Our birth is connected to time. तो यहाँ पर हमारा शरीर जो है वो जुड़ा हुआ है समय के साथ. By the influence of time, the body is taking birth, and in the course of time, it's also dying. तो समय के प्रभाव के कारण शरीर पैदा होता है और समय के प्रभाव के कारण कुछ समय बाद शरीर मरता है. कृष्ण says in the Bhagavad Gita, jata shahi dhruvam mrityu dhruvam janma mrityasya cha. For one who has taken birth, death is certain. कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. जिसने जन्म लिया है उसके लिए मृत्यु आवश्यक है. We say it's as sure as death. So death is sure because of the nature of the material world. There's going to be death. As just as there's birth, with birth there comes also death. तो अंग्रेजी में कहावत है, मृत्यु जितना आवश्यक. तो हम देखते हैं मृत्यु अवश्य होती है और जहां पर जन्म होता है वहां अवश्य मृत्यु होगी. But only intelligent people are actually able to see how these things are happening. परंतु केवल बुद्धिमान व्यक्ति देख सकते हैं ये सब चीजें कैसे हो रही हैं.
So we should always be careful not to confuse the body with the soul. हमें हमेशा सावधान रहना है कि हम शरीर आत्मा को शरीर न समझ बैठें और ये भ्रम में नहीं रहें. We should understand the difference between the body. The body is temporary. The soul is eternal. हमें दोनों में फर्क समझना है. तो जो शरीर है वो अस्थाई है परंतु आत्मा हमेशा के लिए है. Lord Krishna has already explained these things to Arjuna in the Bhagavad Gita. Now he's explaining it again to Uddhava here in this Uddhava Gita. तो बेशक कृष्णा ने ये सब चीजें अर्जुन को समझाई हैं भगवद गीता में और अब यहाँ उद्धव को समझा रहे हैं उद्धव गीता में. Srila Prabhupada constantly preached also to us the difference between the body and the soul. Understand the temporary nature of the body and the eternal nature of the soul. श्रीला प्रभुपाद जी भी हमसे प्रचार क्या करते थे हमेशा निरंतर रूप से आत्मा और शरीर के फर्क के बारे में और ये समझना कि शरीर किस तरह समाप्त हो जाता है परंतु आत्मा शाश्वत रहती है. Sometimes he would quote Bhagavad Gita, sometimes he would quote even Christian philosophy. कभी कभी श्रीला प्रभुपाद जी टिप्पणी दिया करते थे भगवद गीता से और कभी कभी जो क्रिश्चियन धर्म के तत्ववादी हैं उनका भी वो टिप्पणी दिया करते थे. There's a statement in the Christian tradition that what does a man profit if he gain the whole world but lose his eternal soul? क्रिश्चियन समाज में एक कहावत है कि एक व्यक्ति को क्या फायदा होता है कि भले ही वो पूरा पूरी दुनिया क्यों नहीं पाले लेकिन अगर अपनी आत्मा खो बैठे. So in this way, Srila Prabhupada was encouraging us to not to neglect the need of the soul, which is to bring the soul to connect to Krishna. Srila Prabhupada ji हमसे बार बार कहते थे कि आत्मा की जो आवश्यकता है उसको हम न भूलें और आत्मा की क्या आवश्यकता है आत्मा का वापस संपर्क करना कृष्ण के साथ परमात्मा के साथ. As Krishna says in the Bhagavad Gita, mamivam sajiva loke jiva bhuta sanat manashastani indriyani prakriti stani karshit. But the living entities are all my eternal parts and parcels. But due to conditioned life, they're struggling very hard with the senses, including the mind. जैसे कृष्ण भगवत गीता में श्लोक कहते हैं ममैवाम से जीव लोके जीव भूत सनातन मनश्चष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति के जीव मेरा अंश है. कृष्ण कहते हैं सनातन है परंतु इस भौतिक जगत में वो संघर्ष कर रहा है. किससे संघर्ष कर रहा है? मन और इंद्रियों के साथ हमेशा संघर्ष करता रहता है. Lord Krishna had already explained earlier in the Bhagavad Gita how we're trying to exploit the resources of the material energy for our own enjoyment. भगवान कृष्ण पहले ही भगवद गीता में समझा चुके हैं कि कैसे हम जो ये भौतिक तत्व हैं इनको हम उपयोग कर रहे हैं अपने भोग के लिए. जीव भूत महाबाहो यही दम दरियते जगत. That we're thinking this world is just there for our enjoyment. We've forgotten that it's Krishna's energy. Jiva bhuta mahabaho yayedam dharyate jagat. कि किस प्रकार हम सोचते हैं कि ये दुनिया है हमारे भोग के लिए परंतु वास्तव में ये कृष्ण के भोग के लिए है. The soul is eternal, but in conditioned life, we're trying to make the body eternal. We want the body to live forever. That can never happen. Atma shashwat hai, parantu bandh jivan mein hum sharir ko shashwat banane ki koshish kar rahe hain. Wo kabhi sambhav nahi hai, wo kabhi nahi hoga. And we see death coming closer every moment as the time
passes and we're coming closer and closer to death, changing again to another body. हम देखते हैं हम इस प्रकार मृत्यु के निकट आते रहते हैं जैसे समय बीतता जा रहा है हम मृत्यु के निकट आते रहते हैं शरीर को बदलने के निकट आते रहते हैं But we easily forget these things and we focus on the temporary, trying to enjoy it, make the temporary something eternal. परंतु हम आसानी से इन चीजों को भूल जाते हैं और फिर हमारा ध्यान और रुचि रख जाते हैं अस्थाई चीजों में और अस्थाई चीजों को भोगने में और उनको शाश्वत बनाने में so that temporary thing can never become eternal. That temporary material body, you cannot expect it's going to be eternal. तो वो अस्थाई चीज कभी भी वो शाश्वत नहीं हो सकती आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अस्थाई शरीर शाश्वत हो जाएगा The soul is eternal. We want to take care of the soul. We want to bring the soul to connect with Krishna. परंतु आत्मा शाश्वत है वो शाश्वत है हमको आत्मा को ले आना है और उसका संपर्क कराना है कृष्ण के साथ We have to engage in devotional service. But to engage in devotional service, we have to be qualified. We have to get free of our sinful reactions. हमें भक्ति में कार्यों में लगना है भक्ति में कार्य में जुड़ना है परंतु भक्ति में कार्य में जुड़ने के लिए हमें योग्य होना पड़ेगा हमें हमारे किए गए पापों से मुक्त होना पड़ेगा In the Bhagavad Gita, Krishna describes the qualification for taking up devotional service with determination. भगवद गीता में कृष्ण योग्यता बताते हैं जो हमें चाहिए भक्ति को दृढ़ता से स्वीकारने के लिए येषां त्वंतगतं पापं जाननं पुण्यकर्मणा इदंवन मोहनिर्मुक्ता भजन्ति मम दृढ़ावृता The persons who have acted piously in previous lives and in this life, and who are free from their sinful reactions, then they engage themselves in my devotional service with determination. Yesham tu antagacham papa jananam punya karmana te dvanda moha nirmukta bhajate mam dridhavrata. So, Bhagwan Krishna कहते हैं कि जो व्यक्ति पाप काम कर्म से छोड़ चुके हैं जो पाप काम के फलों से मुक्त हो चुके हैं उस प्रकार के व्यक्ति दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लग सकते हैं We get free of the sinful reactions by serving the devotees. हम हमारे किए गए पाप कर्मों से मुक्त होते हैं भक्तों की सेवा कर By serving the devotees, we get the opportunity to get to open the doors to liberation, to begin our spiritual journey. भक्तों की सेवा करके हम मुक्ति की ओर जो द्वार है उसको खोल सकते हैं और भगवान की सेवा शुरू कर सकते हैं. Devotees sometimes wonder did I become a devotee because of my pious activities? Because it said you have to have acted piously in previous life. So they ask, does it mean that I was pious, that now I'm a devotee, I must have been pious in the past? कभी-कभी भक्त कहते हैं कि क्या हम अपने पहले जन्म में पुण्य कार्य किए हैं क्योंकि कहा गया है पुण्य कार्य करके ही भक्ति कर सकते हैं तो कभी-कभी भक्त सोचते हैं तो इसका क्या अर्थ है कि क्या मैंने वाकई में पहले जन्म में ऐसे पुण्य कार्य किए हैं जिसके लिए अभी भक्ति कर रहा हूँ So Prabhupada said, I am creating your pious activity. Prabhupada ne kaha, main tumhare kuch punya karyon ko paida kar raha. I serving the devotees, the Mahatmas, like Prabhupada, then it opens the doors to liberation. So Prabhupada jaise Mahatmaon ki seva karke, wo mukti ke dwar kholte hain. And Srimad Bhagavatam also describes Sushrutroshadananashya Vasudev Kataruchi Shanmahat Sevaya Vipra Punyatirtana Sevana
by serving the devotees who are free of sin. In other words, by serving the great souls, by serving Prabhupada, one gains affinity for hearing the message of Vasa. श्रीमद् भागवतम में भी ये श्लोक आता है, शुश्रूषु शब्ददानस्य वासुदेव कथारुचि, कि इस प्रकार के जो महात्मा हैं जैसे शिला प्रभुपाद, उनकी सेवा करके एक व्यक्ति रुचि पा सकता है भगवान के उपदेश को सुनने में. So by serving the Krishna conscious society, then we're doing service to Prabhupada. तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सेवा करके हम शिला प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं. And by serving Srila Prabhupada, we get some taste for hearing the message of Srimad Bhagavatam. शिला प्रभुपाद जी की सेवा करके हमें कुछ रुचि होगी श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का उपदेश सुनने. That gives us a chance to develop our Krishna consciousness. और ये हमें एक अवसर, मौका प्रदान करता है हमारा कृष्ण भावनामृत विकसित करने के लिए. ओके, ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कोई प्रश्न है. प्रभु, चैट में कोई क्वेश्चन आया, राइट? यस यस प्रभु, पवन प्रभु का प्रश्न है. ओके, फोन मेरे से थोड़ा दूर है, आप एक मिनट में उठा के थोड़ा पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ. ओके, हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम. आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर योर इल्यूमिनेटिंग डिस्कोर्स. आई हैव अ फ्यू इंक्वायरीज रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द विजडम शेयर्ड टुडे. व्हाई डू वी फाइंड आवरसेल्व्स प्री ऑक्यूपाइड विथ कंसर्न्स अबाउट आवर फ्यूचर लाइफ, फ्रीक्वेंटली टर्निंग टू एस्ट्रोलॉजी while paying little attention to our past life? Is our future also meticulously predestined in every aspect? Second question. Oh, Prabhu ka panch prashna hai. Second question, do memories reside in the mind or the intellect? I think we'll go one by one because we have five questions. The first question I read, like, why do we find ourselves preoccupied with more concerns about future life, referring frequently turning to astrology while paying little attention to our past life? Is our future also meticulously predestined in every aspect? Well, is our future predestined? Yes, when you surrender to Krishna, when you're under the control of the material energy, so you have to accept that that material energy is putting you in situations which are predestined. तो हाँ, आपका भविष्य पहले ही तय है. तो अगर आप कृष्णा का शरण लिए हैं तो भी आपका भविष्य तय है, और वरना भौतिक शक्ति आपका भविष्य तय रखी हुई है पहले से ही, और वो आपको विभिन्न विभिन्न स्थितियों में डालती रहती है. According to your previous association with the material energy, you associate with the material energy different ways, goodness, passion, or ignorance. So your destiny will be like that under the material nature. वो भौतिक जीवन में आप जो तीन प्रकार के गुणों से संपर्क करते हैं, रजोगुण, सतोगुण या तमोगुण, तो उस प्रकार से वो भौतिक शक्ति आपका भविष्य पहले ही तय करती है. So, we will say your happiness is predestined, just as your distress is predestined. तो हम कहेंगे आपकी खुशी, आपका दुख, आने वाला दुख पहले से ही उसको, वो भविष्य में आएगा, वो पहले से ही तय होता है, जिस प्रकार से आपकी आने वाली खुशी पहले से तय होती है. Nobody wants to stress, but it comes anyway because it's predestined. कोई भी तकलीफ नहीं चाहता,
परंतु वो आ ही जाती है क्योंकि पहले से तय है. And the same way, the happiness will also. उसी प्रकार से सुख भी आ जाएगा आपके भविष्य के कारण. Not necessarily any particular situation, but the happiness and the distress. तो predestined. इसका मतलब ये है कि कोई विशेष स्थिति या विशेष घटना नहीं, परंतु आपका खुशी और दुख वो पहले से ही तय है. How the happiness comes and how the distress comes, that will vary. कैसे वो गम आएगा, कैसे वो खुशी आएगी, वो अलग अलग प्रकार से होगा. But the happiness and the distress is predestined. परंतु वो खुशी और वो जो दुख है वो पहले से ही तय है. Okay, second question. Second question. Do memories reside in the mind or the intellect? While the intellect is endowed with the faculty of discrimination, it is the mind that appears to govern decision making. Well, it's supposed to be intelligent. तो महाराज कह रहे हैं बुद्धि होनी चाहिए जो फैसला करे क्या करना है क्या नहीं. We're supposed to use our intelligence to consider what to do, what not to do. हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना है ये फैसला करने के लिए कि क्या मैं करूं और क्या नहीं करूं. Higher than the mind is intelligence. Intelligence is meant to help to give the direction to the mind. मन से ऊपर है बुद्धि. बुद्धि को मन को आदेश देना चाहिए क्या काम करना है. So if you're not listening to your intelligence, that means you have an uncontrolled mind. तो अगर आप अपनी बुद्धि से नहीं सोच रहे हो, बुद्धि से नहीं सुन रहे हो, इसका मतलब है आपको एक अनियंत्रित मन है. Have to learn to discipline the mind. आपको सीखना है मन को कैसे शासन में लाना. But do the memories, are the memories in the mind or in the intelligence? Some memories may be in the mind, some memories may be in the intelligence. तो आपने पूछा यादें मन में है या बुद्धि में. तो कुछ यादें मन में हो सकती हैं, कुछ बुद्धि में. But the mind is very restless, chanchala. The intelligence is not so restless, it's the mind which is restless. परंतु मन चंचल है, चंचल ही मना कृष्णा. तो बुद्धि इतनी चंचल नहीं है, परंतु मन चंचल है. थर्ड क्वेश्चन. We are told that our descent into the material world is due to soul's impure desires. If the soul is intrinsically pure, how can it develop such impure desires? Furthermore, is there any guarantee that upon returning to Godhead, the soul will not again entertain impure desires? Well, we have to understand that the nature of the soul is tatastha shakti, that it's a marginal potent. So we understand that at any time we could return to the material world. So hame samajhna hoga ki jo atma hai wo bhagwan ki tatastha shakti hai, kabhi bhi wapas bhautik jagat aa sakti hai. However, if one is situated in Krishna consciousness, then one will not be attracted to come back to the material world. लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना में स्थित है तो वह आकर्षित नहीं होगा वापस भौतिक जगत आने के लिए. No, we just simply have to be properly situated in Krishna consciousness, then you will never come back. हमको सही तरीके से स्थित होना है कृष्ण भावना में, फिर हम वापस नहीं आएंगे. But we do have the marginal nature.
We are tasasta. We have that name. We have that tendency. Either we can be in the material or in the spirit. परंतु हमको ये तटस्थ स्वभाव है. हम या भौतिक दुनिया में हो सकते हैं या आध्यात्मिक. Engaging in japa can be quite arduous for an impure mind. Absorbed in sense gratification. When will the mind attain the same level of absorption in japa as it does in sense gratification? Well, japa can also be sense gratification. You can also get a lot of pleasure from chanting the holy name of Krishna. तो जपा भी एक अच्छी इंद्रिय तृप्ति हो सकती है. आप बहुत आनंद अनुभव कर सकते हैं भगवान के नाम के जप में. So when you start to experience the taste for the holy name, when you start to get pleasure in chanting the holy name, then you have no more taste for sense gratification. तो जब आपको भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होने लगती है, जब आपको आनंद मिलने लगता है भगवान के नाम लेने में, तो फिर आपका भौतिक सुख का इच्छा पूरी हो जाएगी. You have to come to a higher level of chanting the holy name. तो आपको ऊंचे स्तर पे आना है भगवान के नाम लेने. आपको ऊंचे स्तर पे भगवान का नाम लेना है. When you get that, when you start to experience the taste for the chanting, when you come, when you get rid of the anarthas and you come to nishta and ruchi, then you will no longer come back to Sanskrit. तो आपको ऊंचे स्थिति पे आना है भक्ति के. तो जब आप ऊंचे स्थिति पे आएंगे, जैसे निष्ठा या रुचि, फिर आप वापस इंद्र तृप्ति की ओर नहीं आएंगे. Okay, last question. How can one maintain consistency during times of ups and downs? Well, you have to be determined. You have to be very fixed in what you want to do, that you want to become Krishna conscious. And ups and downs are going to be there in the material world. Because you're in the material world, there will be ups and downs. We have to be tolerant, just like we tolerate the winter and the summer. We have to tolerate happiness and distress. Success and failure. We have to go on to our service. तो आपको दृढ़ रहना है भक्ति में. आपको भक्ति हमेशा करने का निर्णय में रहना है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में तो ऊंच नीच चलती ही रहेगी. कभी चीजें ऊपर होंगी, कभी नीचे होंगी, कभी अच्छी होंगी, कभी बुरी होंगी, कभी सफलता होगी, कभी असफलता होगी, लेकिन आपको भक्ति सेवा जारी रखनी है. You can't think there's not going to be any difficulties or any trouble. There will be. There will be ups and downs. But we have to go on. Not that we shouldn't get so disturbed by these things. So आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर सब सही से चलता रहेगा. नहीं, जरूर यहाँ ऊपर होगा, नीचे होगा, लेकिन इन चीजों से आपको विचलित नहीं होना है. Become more tolerant, and we have to become fixed on fix our mind on Krishna, and not be so much disturbed by the material energy. तो हमको सहिष्णु होना है. हमें अपना मन केंद्रित रखना है कृष्ण के ऊपर, और हमें भौतिक शक्ति से इतना प्रभावित नहीं होना है. हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच. बिंदेश प्रभु का एक प्रश्न. बिंदेश प्रभु, आप पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम प्रभु, नंद प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु, मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा था कि जब आत्मा बॉडी को छोड़ता है तो 40,000 बिच्छू जो हमको डंख मारते हैं ना, उतनी वेदना होती है. तो प्रभु, वो वेदना शरीर को होती है या आत्मा को होती है या कोई किसी दूसरे को, किसी
किसी और चीज को हमारे साथ जो है उसको होती है प्रभु, उसकी थोड़ी जिज्ञासा आती है हरे कृष्णा प्रभु, क्योंकि आज उसी संदर्भ में बात हुआ ना, इसके लिए प्रभु ये मुझे ये इसकी इतनी जिज्ञासा होती है। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, महाराज इज आस्किंग, वी हैव हर्ड दैट व्हेन वन लीव्स द बॉडी ही इज फीलिंग द पेन ऑफ 40,000 स्कॉर्पियोज बाइटिंग, so is this pain felt by the soul, is it felt by the body, or is it felt by something else? Well, that pain is not there necessarily for everybody, but in conditioned life that pain would be there because we identify in the material body. तो वो दर्द सबको नहीं होता है, विशेष करके जो भौतिक स्थिति में है, बद्ध जीवन में है, उनको वो दर्द होता है, उन लोगों को जो अपना परिचय भौतिक शरीर से करते हैं। So we have to learn to detach ourselves from the pains and the pleasures of the material world. तो हमें सीखना है अपने आप को भौतिक खुशी और आनंद जो है भौतिक शरीर से, उससे हम अपने आप को अलग करें। This example is given to encourage us not to focus on the body, but to get detached from this body. तो ये उदाहरण हमें दिया गया है ताकि हम अपने आप को शरीर से केंद्रित न करें, शरीर से अनासक्त करें। And the soul, as we are hearing, we give the example today, the soul and the body, what conditions of the body, how they influence the soul, just like a father has a son who is a bad son, brings trouble to the family. So the father, it's a problem for the father. So, जैसे हमने आज सुना कि आत्मा शारीरिक सुखों दुखों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार से एक पुत्र, गलत पुत्र हो, वो कुछ तकलीफ ले आता है घर में, तो वो पिता की भी तकलीफ बन जाती है। But if the soul feels some connection with the material body, the soul is living in the body. But the time of death, we're going to leave the body. We're going to give up that body. So we don't have to identify with the pain of the body. तो जो आत्मा होता है, वो शरीर से अलग है और अपने आप को ये शरीर समझता है, इसलिए उसके दर्द अनुभव करता है। परंतु जब हम शरीर छोड़ रहे हैं, हमको अपने आप को ये शरीर नहीं समझना है, तो इस प्रकार के जो दुख दर्द आपने बोला, उससे हमें अपना परिचय नहीं करना है, अपने आप को शरीर से अलग समझना है। Actually, there's no real pain in the body. The body is just like, is just matter, just like a dress. Just like your dress doesn't feel pain. So the body is not feeling pain, but the mind is feeling. तो वास्तव में शरीर में कोई दर्द नहीं होता, शरीर आपके कपड़े की तरह है, आपके कपड़े को कभी दर्द नहीं होता, तो शरीर को भी दर्द नहीं होता, दर्द मन में अनुभव हो रहा है। So we have to discipline the mind, don't get so much caught up in what the mind is perceiving. तो हमको मन को शासन करना होगा कि मन तू जो सोच रहा है उसमें मैं इतना फंसूंगा नहीं। Sometimes we have to learn just to neglect the mind. कभी कभी हमें सोचना है केवल मन को बिल्कुल अपने आप से परे रखना, उसके बारे में उसकी बातें सुनना ही नहीं। What the mind perceives, the mind is feeling pain, but we just ignore it. तो ये मन इस प्रकार की कल्पना ले आता है, मन दर्द अनुभव कर रहा है, हम उस मन की सोच को नकारते हैं। We want to give up the material body, go on to the spiritual world. हमें भौतिक शरीर छोड़ना है, आगे जाना है आध्यात्मिक जगत। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो लास्ट कॉल। हरे कृष्णा। यस प्रभु, यस। Yeah, hi to Maharaj. Maharaj, today is incorporation of ISKCON in New York.
So would you like to say a few words about this, Maharaj? All right. So Prabhupada incorporated the society in New York on this day. It must have been 1966, maybe. So the purpose of ISKCON, there were seven purposes of ISKCON. Fulfilling the, you know, to different desires Prabhupada had in establishing the Krishna consciousness movement. We had seven purposes covering a wide range of different activities. So, Maharaj ji bata rahe hain ki aaj ke din Prabhupada ji ne Antarashtriya Krishna Bhavanamrit Sangh ka nirman kiya. ये 1966 में होगा, 1966 की बात होगी. तो मुख्य करके प्रभुपाद जी ने सात लक्ष्य दिए थे जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पूर्ति करेगा. एंड प्रभुपाद आस्क्ड डिफरेंट पीपल हु वर प्रेजेंट देयर विद हिम एट दैट टाइम टू बी द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. उस समय जो भक्त वहां पर उपस्थित थे, प्रभुपाद ने उन्हें कहा के समाज का भाग बने. And those people, of course, they were a little surprised that they could not understand the vision of Prabhupada and how Prabhupada had such a wide vision to distribute this message in so many ways to the whole world. तो उस समय जो वहां पर लोग उपस्थित थे वो प्रभुपाद जी की बात को नहीं समझ पा रहे थे कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी के इतने सात उपदेश थे और इतने वो एक आदेश देना चाहते थे विश्व के सारे लोगों को. They were sitting in a small storefront in New York, in the lower east side of New York, in one of the poorer areas of New York. And they were not showing, there was no signs of wealth or opulence of any kind. And so it was unimaginable how they could ever succeed such wide goals. So, उस समय सारे भक्त न्यूयॉर्क में, दक्षिण पूर्वी भाग में न्यूयॉर्क के, एक बहुत ही गरीब भाग में, एक छोटी सी दुकान में बैठे हुए थे, और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार उस समय कुछ ऐश्वर्य की धन की निशानी भी नहीं थी हमारे संघ में. वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार ऐसी स्थिति में भी प्रभुपाद ऐसे लक्ष्य बता रहे हैं कि पूरे विश्व भर में ये ज्ञान बांटेंगे. श्रील प्रभुपाद had some vision of the future. He had the desire and he laid this foundation for the Krishna consciousness movement. तो शिला प्रभुपाद जी को सही दृष्टांत था भविष्य का, उनकी इच्छा थी और उन्होंने ये नींव उस समय उत्पन्न की इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की. Of course, we have a long way to go to ever fulfill these missions. तो बेशक हमें बहुत लंबा रास्ता है आगे इन शिला प्रभुपाद जी के सात लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए. But we hope in the years to come, in the generations to come, that these things can gradually come about. पर हम उम्मीद करते हैं कि बीतते समय में और आने वाली पीढ़ियों में हम ये सारे लक्ष्य ये प्राप्त करेंगे. Srila Prabhupada gave the foundation and we're building up on the foundation. Srila Prabhupada जी ने नींव डाली, अब हम उस नींव पे ऊपर बनाते जा रहे हैं. हरे कृष्णा. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for the wonderful Nectarian session as well as the wonderful question answer session. And we are eagerly waiting for more Katha from your lotus mouth, Maharaj. Thank you so much. Please accept our humble obeisance. Panchakalpataru bhischa kripa sindhu bhyeva cha patitanam bhavane bhyo vaishnave bhyo namo namaha. Ananta koti vaishnava granda ki jaya Srila Prabhupada ki jaya. His Holiness Bhakti Vipna Vinash Punarsimha Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nanda Kishore Prabhu, thank you so much for the wonderful translation. Hamara Muralidhar Prabhu ka ashram mein hai, Rasal Kema mein. Hare Krishna. Hare Krishna.
थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रभु. थैंक यू सो मच महाराज. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.